अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर प्रदेश भर में जश्न का माहौल। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोगों ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद समीरपुर में उनके आवास पर लगा बधाई देने वालों का तांता। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश विकास और अन्य क्षेत्रों में छुएगा नई ऊंचाइयां। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर प्रदेश में हुए कई जागरूकता कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने रैलियां निकालकर लोगों से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 3 जून से होगा शुरू। प्रशासन द्वारा उत्सव को अधिक मनोरंजक बनाए जाने की दिशा में किए जा रहे हैं विशेष प्रयास। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षाएं कल से 29 जून तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में बनाए गए हैं करीब 30 परीक्षा केंद्र। देश सहित प्रदेश में भी भीषण गर्मी का दौर जारी। ऊना में 44 डिग्री से ऊपर पहुंचा अधिकतम तापमान। लोगों का दिन के समय घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। किन्नौर जिले के ब्रुआ में पिछले दिनों फंसे ट्रैकर्स मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी। पर्यटन कारोबारियों ने की अवैध ट्रैकिंग पर रोक लगाने की मांग।